अपराधी ये है, ये इसने गोली मारी है, इस आदमी ने गोली मारी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर शूटआउट की घटना हुई है। संजीव महेश्वरी जीवा नाम के गैंगस्टर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। करीब 6 राउंड वहां पर गोली चलती है और जो हमलावर थे वो वकील के ड्रेस में वहां पर पहुंचते हैं और गैंगस्टर को गोली मार देते हैं। तो ये एक बड़ी खबर है और इस हादसे में एक बच्चा भी घायल हो गया है। तो कुल मिलाकर यूपी पुलिस, यूपी सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि कुछ समय पहले ही अतीक अहमद और उसके भाई की जिस तरीके से हत्या हुई थी, लगातार पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे। और इस बीच एक और जो बड़ी खबर है हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ कोर्ट परिसर के अंदर ये घटना हुई है। कोर्ट परिसर, जिसे कि न्याय का मंदिर कहा जाता है, वहां पर किस तरीके से न्याय का मजाक बनाया गया आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, कि कैसे इस हत्याकांड के बाद से, कैसे शूटआउट के बाद से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं कि पूरा कोर्ट परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। इस घटना पर कुछ लोगों का क्या कहना है, आइए उनके बयान भी हम आपको सुनवाते हैं। मैंने देखा था जी, बताइए क्या बच्ची के कहां गोली? बच्ची का बाप गेट नंबर 4 से उसको अपनी गोदी में लेके जा रहा था। बच्ची पूरी खून से नहाई हुई थी, बच्ची की पीठ पे गोली लगी हुई थी। यहां पे क्या क्या उसकी माँ को भी गोली लगी? उसकी माँ के अंगूठे पे गोली लगी थी और बलरामपुर की तरफ वो भागे हैं, लेके मेरे सामने ही भागे हैं। 4 नंबर गेट पे मैंने देखा है, बलरामपुर की तरफ। अगर किसी अधिवक्ता के साथ ऐसा हो जाए तो क्या होगा? यहाँ कोई एम्बुलेंस नहीं आ सकती, हम तो स्वयं मौजूद थे, हम खुद कैसे अपनी जान बचाएं? आपके सामने गोलियां चली, उसके बाद पुलिस वालों ने उसको अपनी कस्टडी में लिया, जारी रखी। उसके बाद उसने अधिवक्ताओं को गाली दी, पुलिस प्रशासन के सामने गाली दी। कितने लोग आए थे? हमने अकेले देखा, वो अकेले था, उसी ने गोली चलाई, उसने 6 राउंड गोली चलाई और अंदर कम से कम 8 से 10 पुलिस वाले मौजूद थे। किस तरह का असलाहा था? पिस्टल थी, रिवॉल्वर थी क्या? पिस्टल थी। 6 राउंड गोली चली, उसमें से एक अंदर दीवान जी बैठे थे, उन्होंने उसको अपनी पिस्टल को अपने साथ रख लिया है और हम लोग किसी तरह बच पाए, अंदर ही फायरिंग करते हुए गया। वकील को भी गोली लगी, जब हम लोग यहाँ सेफ नहीं है, हमारा प्रोटेक्शन नहीं, आप किसे करेंगे? ये गवाह को मारने के लिए ये आदमी व्हाइट शर्ट पहन के आया है, पुलिस की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो चेक करे? हम लोग सीओपी आई भी एग्जाम देके यहाँ आते हैं वकीलों की पैरवी करने, ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? ये सिक्योरिटी है हम लोगों की? इस तरह काम करेंगे लोग? इस पूरी घटना में पुलिस ने एक हमलावर को भी हिरासत में लिया है। घायल अवस्था में हमलावर को पुलिस अस्पताल ले गई है। प्राथमिक इलाज के बाद से पुलिस मामले की जांच में जुटेगी और इस घटना के बाद से लगातार राजनीतिक दल भी अब हमला बोलने लगे हैं योगी सरकार को लेकर। आपको बता दें कि गैंगस्टर संजीव वहां पर कोर्ट में एक पेशी के लिए आया था, जिसके बाद से उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि मुख्तार अंसारी का करीबी था, ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड में पेशी के लिए संजीव कोर्ट पहुंचा था और जिसके बाद से हमलावरों ने उसको अपना निशाना बनाया। जो हमलावर थे वो वकील की रेस में वहां पर पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि जिस गैंगस्टर की हत्या हुई है वो मुख्तार अंसारी का करीबी है। तो कुल मिलाकर इस घटना पर यूपी की राजधानी लखनऊ और लखनऊ के कोर्ट परिसर में ये जो घटना हुई है, इस पर आप क्या सोचते हैं? आप ये क्या राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।